मिर्जापुर के दीवानी न्यायालय परिसर में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि अदालतों में मुकदमों की बढ़ती संख्या को कम करने और पीड़ितों को राहत देने के मकसद से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। पीड़ितों के लिए न्याय पाने का एक सरल और सुगम रास्ता बन गया है। दरअसल पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपर जनपद सत्र न्यायाधीश नोडल अधिकारी जितेंद्र मिश्र ने बताया कि अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकृति के बाद मोटर अधिनियम, बैंक, पारिवारिक विवाद, दीवानी, राजस्व, विद्युत, जल एवं सेनावृत्ति के साथ ही ट्रैफिक चालान आदि मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बैंक, परिवहन एवं मोटर दुर्घटना समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे। प्रेस वार्ता आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि दिनांक 14 तारीख को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जनमानस को इसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी हो, लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारित कराने के फायदे अधिक से अधिक सहज तरीके से उनको बताया जाए, उनको ये बताया जाए कि लोक अदालत में अगर आपका समझौता हो जाता है और आपका वाद अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है तो एक तो आपको मन की शांति मिलेगी, आपके मुकदमे का सर्वदा के लिए अंतिम रूप से निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि जो लोक अदालत में मामले निस्तारित होते हैं उनमें कोई अपील या उसको चैलेंज करने का कोई प्रावधान नहीं रहता है जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए कि वो फोर्जरी या चीटिंग के आधार पर किया गया या अदालत को धोखा देकर वो समझौता कराया गया, एक ही स्थिति है।